कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से सारी दुनिया में फैल जाता है, लेकिन बीजिंग और शंघाई तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा क्यों? वुहान से शंघाई और बीजिंग की दूरी सिर्फ 800 और 1200 किलोमीटर है, जबकि वुहान से स्पेन 9800 किलोमीटर है, इटली 86 किलोमीटर और अमेरिका 11800 किलोमीटर दूर है। कोरोना वायरस से हुई मौत की तुलना, कोरोना वायरस से शंघाई में मौत 0, कोरोना वायरस से बीजिंग में मौत 0, कोरोना वायरस से स्पेन में मौत 5138, कोरोना वायरस से इटली में मौत 9134, कोरोना वायरस से अमेरिका में मौत 1704। क्यों चीन की कोरोना वायरस से पीड़ितों के ठीक होने की दर अमेरिका से बेहतर है, जबकि अमेरिका का हेल्थ सेक्टर चीन से बहुत बेहतर है? चीन में कुल रोगी 81,340 और उनमें ठीक हुए 74,588, ठीक होने का प्रतिशत 91.7%, जबकि अमेरिका में कुल रोगी हैं 85,762 और ठीक हुए 1,868, ठीक होने का प्रतिशत सिर्फ 2.2%। वहीं अगर इटली की बात करें तो वहां रोगी के ठीक होने की दर 12.8% है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो चीन की दुनिया को तबाह करने की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला सवाल, जब सारी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी बन चुका है तो चीन की राजधानी इसे बची कैसे रह गई? दूसरा सवाल, चीन ने दुनिया से इस वायरस को क्यों छुपाया? तीसरा सवाल, चीन ने कोरोना वायरस के शुरुआत में मिले सैंपल को नष्ट क्यों किया? चौथा सवाल, चीन के जिस डॉक्टर ने इस वायरस का खुलासा किया था उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? उस डॉक्टर की मौत कोरोना वायरस से हुई या उसे चीन ने मार डाला? पांचवा सवाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल ने चीन का साथ क्यों दिया? चीन की हां में हां मिलाते हुए WHO ने दुनिया से कहा था कि ये बीमारी इंसान से इंसान पर नहीं फैलती। छठा सवाल, क्यों फरवरी 2020 तक WHO ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक नहीं लगाई? क्या चीन और WHO इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला देना चाहते थे? सातवां सवाल, वुहान से 50 लाख लोगों को अंतरराष्ट्रीय सफर क्यों करने दिया? आठवां सवाल, फरवरी में इटली में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं था, क्यों इटली के लोगों को चीनियों से गले मिलने के लिए मजबूर किया गया? नवा सवाल, जब दुनिया चीन और WHO को शक की निगाह से देख रही है तो ये दोनों की भारत की तरफ क्यों कर रहे हैं? ये दोनों कहीं भारत का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते? दसवां सवाल, क्यों चीन अब दुनिया को घटिया मेडिकल किट भिजवा रहा है? स्पेन से चीन के सभी मेडिकल किट वापस भेज दिए हैं। इन 10 सवालों के पीछे 10 जवाब भी छिपे हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि चीन किस तरह पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। ये कोरोना वायरस चीन का बायोलॉजिकल हथियार है। चीन ने अभी तक दुनिया से इस वायरस का एंटीडोट छुपा कर रखा हुआ है। जब दुनिया पूरी तरह से मजबूर हो जाएगी तब चीन इसका इलाज बताएगा, और तब तक पूरी दुनिया में चीन का राज हो चुका होगा। पंजाब केसरी TV के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।